तो देखिए, वहीं पूर्वांचल की सियासत में बड़ा दखल रखने वाले पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने उनकी कोठी जमीन को कुर्क कर दिया है। देखिए, जिला प्रशासन के मुताबिक ये संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी, उसे यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क कर दिया गया। प्रशासन ने कुर्की की गई संपत्ति का आकलन करीब 3 करोड़ रुपए बताया है। हालांकि पूर्व सांसद, उनकी बेटी और दामाद हत्या के मामले में अभी बलरामपुर जिला जेल में बंद है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदया के आदेश 14(1) गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा के तहत रिजवान जहीर पुत्र स्वर्गीय जहीरुल हक ग्राम शीतलापुर की संपत्ति कुर्क की गई है। इस कोठी और इस जमीन की मालियत लगभग 2,25,00,000 के आसपास है तथा आराजी संख्या 295 जो 0.162 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी आज की मालियत लगभग 92,00,000 रुपए है। और बात हापुड़ की। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर एसडीएम अरविंद द्विवेदी ने बुलडोजर चलाया। दरअसल हाईवे NH9 पर सरकारी जमीन दबंगों ने अवैध कब्जा करके उस पर ढाबे बना रखे और एसडीएम ने ढाबा मालिकों को नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा था, लेकिन जब नोटिस पर जवाब ही नहीं आया तो इन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया गया। देखिए, पहले नोटिस, उसके बाद कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया, फिर यहाँ पर चला पीला पंजा। किस तरीके से कार्रवाई हुई NH8 पर, तस्वीरें आपके सामने। लगभग 25 बीघा जमीन है। इस सरकारी सड़क की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए अस्थायी रूप से ढाबे बना लिए गए थे और इन लोगों को लगभग 1 माह पूर्व मैंने नोटिस दिया था कि आप लोग इसको हटा लिए, सरकारी ज़मीन है। न तो इन लोगों के द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया जा सका और न ही इनके द्वारा हटाया जा सका। तो जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में गढ़ मुक्तेश्वर की राजस्व विभाग की टीम, नगरपालिका की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस अवैध अतिक्रमण को यहां से हटा रही है। चलिए, गंगा सवेरा।